हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं कि कॉन्ट्रैक्टर की इंटरलॉकिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर की इंटरलॉकिंग हम लोग इसलिए करते हैं कि हमें अगर एक मोटर एक टाइम पे चलाना है और हमको ये चाहते हैं कि दूसरी मोटर नहीं चले, तो इस शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्टर की इंटरलॉकिंग करते हैं आपस में। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरी इंटरलॉकिंग का पूरा सेटअप क्या है मैं आपको बिल्कुल आपको जीरो से बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, पहले इसका मैं डेमो आपको देख के बताता हूँ। तो देखिए, जैसे ये मेरा पहला कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, अभी मैंने बंद कर दिया, अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। इसके लिए मेरे पास एक स्टार्ट पुश बटन है, पहले नंबर कॉन्ट्रैक्टर का, दूसरे नंबर का, ठीक है। तो ये मेरा पहला नंबर का है, ठीक है, ये मेरा पहला नंबर कॉन्ट्रैक्टर का स्टार्ट पुश बटन है, ये मेरे दूसरे नंबर का। ये मेरे पास एक स्टॉप का पुश बटन है, ठीक है दोस्तों, ये मेरा स्टॉप पुश बटन है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी जब मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ ये स्टार्ट हो रहा है, पर इसको प्रेस करने पर ये नहीं होगा, ठीक है। और जब मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, ये वाला कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो रहा है, इसको प्रेस करने पे ये वाला होल्ड नहीं होगा, और जब मैं ऑफ करूँगा तो ये ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों, बेसिकली यही इंटरलॉकिंग होती है कि जब मेरा ये वाला कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो तो ये वाला कॉन्ट्रैक्टर होल्ड नहीं हो। तो इसका मेन रीज़न क्या होता है, हम लोगों को क्या होता है दोस्तों, अगर इसकी इंटरलॉकिंग कर देंगे हम, तो हमारी जो शॉर्ट सर्किट है या कोई भी मशीन एक साथ चलने के लिए हम लोगों को जो नुकसान होते हैं उससे हम लोग बच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। सबसे पहले हम लोग न्यूट्रल की वायरिंग करते हैं। न्यूट्रल की वायरिंग करने के लिए मैं अपना मेन न्यूट्रल कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने अपना मेन न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया, मेन के साथ मैंने अपना एक कॉन्ट्रैक्टर के A1 में कनेक्ट किया है, दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के A1 में, मतलब हमारे कॉन्ट्रैक्टर को जो 230 वोल्ट देते हैं हम लोग, उसके लिए मैंने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये मेरी न्यूट्रल की वायरिंग होगी। अब सबसे पहले दोस्तों, मुझे एक फेस कनेक्ट करना है, ये मेरा फेस जाएगा मेरे NC पुश बटन पे, ठीक है दोस्तों। ये मेरे NC पुश बटन के एक नंबर पॉइंट पे मैं ये फेस कनेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों, मैं अपने मेरे एक नंबर कॉन्ट्रैक्टर और दो नंबर कॉन्ट्रैक्टर के लिए मुझे दो स्टार्ट पुश बटन चाहिए, ठीक है। तो दोनों के लिए मैं NC पुश बटन में कनेक्ट कर देता हूं दोनों को। तो ये जो मेरा NC के दो नंबर से वायर निकलेंगे, ये मेरा एक स्टार्ट पुश बटन पे जाएगा, दोनों के लिए जाएगा। तो ये मैंने पहले वाले पे कनेक्ट कर दिया दोस्तों। सेम मैं दूसरे वाले पे कनेक्ट कर देता हूँ, दोनों के तीन नंबर पॉइंट पे हमको कनेक्ट करना है, ठीक। दोस्तों, अब मेरा मेन काम स्टार्ट होता है कि मुझे इंटरलॉकिंग कैसे करना है। तो सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट वाला कॉन्ट्रैक्टर है, एक नंबर कॉन्ट्रैक्टर को इंटरलॉकिंग देने के लिए इसके जो चार नंबर पॉइंट से मुझे एक वायर कनेक्ट करना है, ठीक है। ये मेरा NC पे जाएगा, दो नंबर कॉन्ट्रैक्टर के NC पे जाएगा। अब मेरा दो नंबर कॉन्ट्रैक्टर के NC से उठने के बाद ये मेरा इसकी कॉइल पे जाएगा, ठीक है, एक नंबर कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल पे जाएगा। ठीक है, अब सेम मुझे ये दूसरे वाले कॉन्ट्रैक्टर के साथ भी ये करना है। ये मेरा जो दो नंबर का स्टार्ट पुश बटन है, उसमें मैं एक वायर कनेक्ट करूंगा,
ठीक है फ्रेंड्स, अब ये मेरे इसके एनसी में जाएगा। फर्स्ट वाले के एनसी, अब जो मेरा फर्स्ट वाले के एनसी का आउटपुट जो निकलेगा दोस्तों, ये मैं इसके कॉइल में दे दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरा इंचिंग सर्किट स्टार्ट हो गया है, ये मेरा इंचिंग सर्किट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब मैं आपको एक बार इसको स्टार्ट करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो अब मैं मेरे एक नंबर कॉन्टेक्टर को होल्ड करा के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अभी ये होल्ड नहीं होगा, होल्ड इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसकी होल्डिंग सप्लाई हमने दी नहीं, होल्डिंग सर्किट कंप्लीट नहीं किया है। ये देखिए मेरा दो नंबर भी ऑन हो रहा है। अब दोस्तों हम लोग इसकी होल्डिंग सप्लाई कनेक्ट करने के लिए क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं ये जो मेरा तीन नंबर पॉइंट है वहां से एक वायर उठाऊंगा। उसको मैं अपना जो एक नंबर कॉन्टेक्टर है उसके एनो में कनेक्ट करूंगा। फिर इसके एनो से जो उठेगा मेरा एक वायर, एनो में कनेक्ट कर दूं। फिर इसके एनो से जो उठेगा मेरा एक वायर, तो ये मेरा एक नंबर कॉन्टेक्टर की होल्डिंग सप्लाई भी हो गई है। मैं आपको चालू करके इसको दिखाता हूँ। ये देखिए मेरा एक नंबर कॉन्टेक्टर होल्ड हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अब मैं दो नंबर की स्टार्ट करता हूँ। दो नंबर के लिए भी हमें सेम यही करना है कि जो हमारा तीन नंबर पॉइंट है स्टार्ट पुश बटन का, वहां से हम लोग एक वायर कनेक्ट करेंगे। इस वायर को मैं इसके एनो में कनेक्ट कर दूंगा। और यहां से उठाकर मैं अपने कॉन्टेक्टर की कॉइल को कनेक्ट कर दूंगा। अब दोस्तों मैं आपको चालू करके दिखाने वाला हूं मेरे दोनों कॉन्टेक्टर। ये हमारी इंटरलॉकिंग हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला दबाता हूं। ठीक है, ये मेरा एक नंबर कॉन्टेक्टर होल्ड हो चुका है। अब दोस्तों मैं जब अपना दो नंबर कॉन्टेक्टर का पुश बटन दबा रहा हूं तो मेरा ये ऑन नहीं हो रहा है। तो ये दोस्तों हमारी हो गई इंटरलॉकिंग। अब मैं स्टॉप पुश बटन दबा रहा हूं। ठीक है, अब मैं अपना सेकंड वाला कॉन्टेक्टर होल्ड करवा रहा हूं। ये मेरा दो नंबर कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया है। अब दो नंबर कॉन्टेक्टर होल्ड करवाने पे जब मैं अपना फर्स्ट नंबर कॉन्टेक्टर को होल्ड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये होल्ड नहीं हो रहा, ये मैंने ऑफ कर दिया। इसी तरीके से दोस्तों आप इंटरलॉकिंग कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से।